यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ज्यादा सुरक्षा थी, तो यहां पर कटाक्ष करते हुए सीएम अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस दौरान कानून व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले पर योगी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरा है और कानून व्यवस्था को लेकर कटाक्ष किया है। और लगातार हमारे संवाददाता राजेश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, उनके लोग मारे जा रहे हैं, खुद परेशान है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो मारा गया है लखनऊ में, उसकी मां का स्टेटमेंट जरूर देखना टीवी पर, पूरा देखना कि मां ने क्या क्या कहा है, तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार दोषी कौन है। और उस कहानी को भी दूसरी कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2015 में धमकी दी गई थी, और अगर 2015 में धमकी दी गई थी तो बताओ पिछले 2.5 साल से सरकार क्या कर रही थी, 2.5 साल से सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये केवल कहानी बना रहे हैं और जिन्होंने घटना की वो अभी नहीं पकड़े गए हैं, पकड़े वो गए हैं जो 2015 में साजिश कर रहे थे। इसलिए उसकी मां की बात सुनना आप, और अगर मां की बात सुन लोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार सरकार किस रास्ते पर है।